हेलो फ्रेंड्स, हमारा देश आज एक तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है और हमारे देश के एक से एक फैसले को दुनिया बड़ी ही गौर से देख रही है, क्योंकि हमारे देश के विकास के साथ साथ हमारा देश भी अमीर होता जा रहा है, जिसमें भारतीय बैंकों का भी एक मुख्य रोल है जो देश के लोगों को लोन देते हैं और उन्हें अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में भारत की 10 सबसे बड़ी बैंकों के बारे में बताएंगे और इन बैंकों को मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रैंक किया गया है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10 हमारे इस लिस्ट में नंबर 10 पर है यस बैंक। यस बैंक एक भारतीय बैंक है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जो राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा की गई थी। ये भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई निजी बैंकों में से एक है। ये भारत की 10 सबसे बड़ी बैंकों का हिस्सा है। इसके कार्य में मैनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग है। वही आपको बता दें कि इस बैंक में 18,000 कर्मचारी है और इस बैंक के कुल एटीएम की संख्या 1220 है और पूरे देश में इस बैंक की 1122 शाखाएं मौजूद है और इस बैंक का टोटल मार्केट कैप 42,244 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 9 इसी लिस्ट में नंबर 9 पर है बैंक ऑफ इंडिया। ये एक भारतीय बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इस बैंक के ऑफिस बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और सजानिया जैसे कई देशों में लगभग 56 कार्यालय मौजूद है। वही आपको बता दूं कि इस बैंक में 48,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तथा इस बैंक के पूरे भारत में 5100 से ज्यादा शाखाएं मौजूद है, जो अपने कस्टमर को हर एक बेस्ट सेवाएं देती है। वही बात करें इस बैंक के टोटल मार्केट कैप की, तो बैंक का टोटल मार्केट कैप 50,405 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 8 इसी लिस्ट में नंबर 8 पर एंकरी है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक के टोटल 8 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर मौजूद है। पंजाब नेशनल बैंक की दुबई और हांगकांग में एक अच्छी विदेशी उपस्थिति है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के भूटान और यूके में 7 सहायक बैंक मौजूद है। इसके अलावा बैंक के पास नेपाल में 86 संयुक्त इंटरप्राइज शाखा है और कजाकिस्तान में 8 सहयोगी शाखा है। इस बैंक में कर्मचारियों की संख्या 8,000 से ज्यादा है और एटीएम की संख्या 10,680 है और इस बैंक का आज के समय में टोटल मार्केट कैप 52,212 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 7 हमारे इस लिस्ट में नंबर 7 पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक का शॉर्ट नाम BOB है, जो कि एक पब्लिक बैंक है और इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। 2000 बैंक में विजया बैंक और देना बैंक के साथ पहली बार 3 तरफा मर्ज के लिए इस बैंक को एक बेहतरीन लोकप्रियता मिली और वर्तमान में इस बैंक के 12 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक है और इस बैंक में 13,400 ATM, 9,544 बैंक की शाखा मौजूद है और आज के समय में इस बैंक का मार्केट कैप 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 6 हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, लेकिन इसकी अधिकांश शाखाएं मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में स्थित है तथा दुबई, आबू धाबी और लंदन जैसे शहरों में इसकी विदेशी उपस्थिति है। इंडसइंड बैंक में कुल 25,000 कर्मचारी काम करते हैं और बैंक में 2453 ATM और इस बैंक की टोटल शाखाएं 1558 है। बात करें इस बैंक के टोटल मार्केट कैप की, तो इंडसइंड बैंक का टोटल मार्केट कैप 80,330 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर 5 इसी लिस्ट में नंबर 5 पर रैंक कर रही है ICICI बैंक लिमिटेड। ICICI बैंक लिमिटेड का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, लेकिन इसका पंजीकृत कार्यालय वडोदरा गुजरात में मौजूद है। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। ICICI के कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में सहायक कंपनियों के साथ एक विदेशी उपस्थिति भी मौजूद है और इस बैंक की चीन, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, सिंगापुर, बहरीन और ओमान जैसे देशों में शाखाएं मौजूद है। आपको बता दें कि इस बैंक की 15,101 ATM तथा 4,842 ब्रांच मौजूद है। वही बात करें इस बैंक के टोटल मार्केट कैप की, तो वह है तकरीबन 80,586 करोड़ भारतीय रुपए। नंबर 4 हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो कि भारतीय निजी क्षेत्रों की चौथी सबसे बड़ी बैंक के रूप में मानी जाती है और ये बैंक काफी कस्टमर के साथ हेल्पफुल रही है और इस बैंक ने अपने ग्राहकों को बखूबी अच्छी सेवा दी है तथा SME और रिटेल बिजनेस के साथ इसकी वित्तीय सेवाएं बड़े और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट के लिए लक्षित है। आपको बता दें कि इस बैंक में कुल 55,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस बैंक के ATM की संख्या 11,800 है और इस बैंक की देश भर में 4,050 शाखाएं मौजूद है। बात करें इस बैंक की टोटल मार्केट कैप की, तो वह है 2,23,453 करोड़ भारतीय रुपए। नंबर 3 इस लिस्ट में नंबर 3 पर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में की गई थी। ये वर्तमान समय में भारत के प्राइवेट क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक देश की एक भरोसेमंद बैंक है
जिसने अपने कस्टमर को अच्छी सेवा दी है। यही एक वजह है कि ये बैंक आज के भारत की 10 सबसे बड़ी बैंकों की लिस्ट में शामिल हो पाई है। और बता दें कि इस बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 33,000 से ज्यादा है और इस बैंक की शाखाएं 1390 है। वही इस बैंक की ATM की संख्या 2100 है। वही बात करें इस बैंक के मार्केट कैप की, तो इस बैंक का टोटल मार्केट कैप है 3,43,683 करोड़ भारतीय रुपए। नंबर दो, हमारी लिस्ट में नंबर दो पर रैंक कर रही है देश की सबसे भरोसेमंद SBI बैंक। SBI का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में स्थित है। और भारत में इस बैंक की 20% हिस्सेदारी है और ये बैंक पूरी दुनिया में 36 देशों में 195 ऑफिस के साथ काम कर रही है। आपको बता दूं कि इस बैंक में 2,57,000 कर्मचारी काम करते हैं और इस बैंक के वर्तमान में 69,000 ATM तथा 24,000 से ज्यादा ब्रांच मौजूद है। बात करें इस बैंक के टोटल मार्केट कैप की, तो इस बैंक का टोटल मार्केट कैप 4,74,000 करोड़ भारतीय रुपए है। नंबर फर्स्ट, हमारे इस लिस्ट में सबसे ऊपर रैंक कर रही है HDFC बैंक। HDFC बैंक का फुल नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और इस बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और HDFC बैंक विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का विस्तार करता है। और ये बैंक सिर्फ रिटेल और होलसेल बैंकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि होम और ऑटो बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, लाइफस्टाइल लोन, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है। और आपको बता दें कि पेजअप और स्मार्ट बाई का भी मालिक HDFC बैंक ही है। इस बैंक के कर्मचारियों की संख्या 1,00,000 है और इस बैंक की 13,160 ATM और 5,103 ब्रांच मौजूद है। और आज के समय में इस बैंक का टोटल मार्केट कैप 7,93,000 करोड़ भारतीय रुपए है। तो फ्रेंड्स, ये है देश की 10 सबसे बड़ी बैंक। तो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से देश की सबसे भरोसेमंद बैंक कौन सी है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिस ना कर पाए हमारी एक भी वीडियो को। मिलते हैं हम जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।